एबीपी गंगा खबर आपकी जुबान आपकी। देहरादून में आज भाजपा कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है और ये बैठक शाम 6 बजे रखी गई है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत, मुख्यमंत्री समेत पार्टी के तमाम पदाधिकारी मौजूद होंगे और इस दौरान कई अहम मुद्दों पर मंथन होगा। मीटिंग के दौरान पार्टी की आगामी रणनीति को लेकर भी चर्चा की जाएगी। तो आज देहरादून में भाजपा का मंथन है। आज भाजपा कोर कमेटी की बैठक होने जा रही है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत शामिल होंगे। शाम 6 बजे कोर कमेटी की यह बैठक होगी। विपक्ष सरकार का कामकाज लगातार सवाल उस पर उठाता रहता है, मगर परिवहन मंत्री यशपाल आर्य का कहना है कि सरकार का फोकस जनहित की योजनाओं पर है। साथ ही उन्होंने 2022 में भाजपा के फिर से सत्ता में आने का भी दावा किया है। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, जो कल्याणकारी हमारे कार्यक्रम हैं, योजनाएं हैं, उसको लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने मजबूत पहल की है और विकास धरातल पर दिखाई दे रहा है। तो मेरा मानना है कि कोई इसमें रुकावट नहीं है। हमें जनता का जनादेश निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा और सरकार पुनः राज्य में सरकार। उधर पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने बागेश्वर में हेरिटेज सर्किट बैजनाथ में पर्यटन सुविधाओं के कामों का लोकार्पण किया है। पर्यटन विभाग की तरफ से 30,57,00,000 रुपए की लागत से इन सुविधाओं को विकसित किया गया। स्वदेश दर्शन योजना के तहत बैजनाथ में इको लॉग हट पार्किंग, घाट डेवलपमेंट जैसी योजनाएं शुरू की गई। शिव सर्किट के तहत बागनाथ महादेव मंदिर को उसमें शामिल किया गया। सिंचाई विभाग का जो है 1,68,44,000 में ये जनपद बागेश्वर के विकासखंड बागेश्वर के जिला पंचायत खनौली की भूमि आवासीय भवनों की पुंगर नदी एवं उसकी उपनदियों से बाढ़ सुरक्षा योजना का ये है लोकार्पण हुआ है। और पर्यटन विभाग में केंद्र पोषित स्वदेश योजना में हेरिटेज सर्किट के अंतर्गत 28,89,00,000 मात्र में ये पर्यटन सुविधाओं के विकास का जो आज लोकार्पण। उधर मसूरी में सड़क पर पाला जमने की वजह से हादसा हो गया। कैंपटी रोड पर पाले पर फिसलने से कई वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गए। इस दौरान गाड़ियों में सवार लोगों को भी हल्की चोट लगी है। कैंपटी रोड पर एक कार पाले पर फिसलकर सड़क के नीचे गिरी। इस दौरान वाहन क्षतिग्रस्त हो गया जबकि उसमें सवार 2 लोगों को चोट लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ पाले पर फिसलने से बाइक सवार भी घायल हुए। श्रीनगर में HNB यूनिवर्सिटी पर ABVP छात्रों ने हंगामा किया। ABVP से जुड़े छात्रों ने कुलपति कार्यालय पर धरना दिया। छात्रों को देख कुलपति कार्यालय के मुख्य दरवाजे पर ताला लगा दिया गया, जिसे देखकर छात्र भड़क गए और छात्र किसी तरह से कुलपति कार्यालय के परिसर में जा पहुंचे। इस बीच यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के साथ छात्रों की कहा सुनी भी हुई। छात्र अपनी मांगों को लेकर कुलपति से मिलने पहुंचे थे, मगर कुलपति अपनी कार्यालय में नहीं थी, जिसे लेकर छात्र भड़क गए। जो मांगे थी कि गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति की जाए और जो वैकेंट सीटें हैं BSc BA और चाहे पौड़ी कैंपस में हो, टीरी कैंपस में हो या श्रीनगर कैंपस में, उनको ऑनलाइन माध्यम से या ऑफलाइन माध्यम से जल्दी भरा जाए। और आज हम अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पौड़ी इकाई के और श्रीनगर इकाई के कार्यकर्ता यहाँ पर आए हैं और हमारी मुख्य मांग है, अगर ये आंदोलन चलता रहेगा जब तक गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय की कुलपति महोदया। नशे के खिलाफ कर्णप्रयाग में चलाए जा रहे अभियान के दौरान पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने करीब 10 ग्राम स्मैक के साथ 2 युवकों को गिरफ्तार किया है। इन्हें गौचर के कमेडा से गिरफ्तार किया गया। आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। उधर उत्तराखंड में इन दिनों बर्ड फ्लू का खतरा भी बढ़ रहा है। कर्णप्रयाग में एक नाले में मुर्गियां मृत हालत में मिली हैं। जानकारी के बाद पशुपालन विभाग के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। इन मृत मुर्गियों को कब्जे में लेकर दफना दिया गया, साथ ही इनके सैंपल्स जांच के लिए लैब भेजे गए। अभी तक यह साफ नहीं हुआ कि मुर्गियों की मौत कैसे हुई है। उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी ने स्कूलों की बदहाली को लेकर अभियान शुरू किया, जिसमें लोगों से बदहाल स्कूलों की सेल्फी लेकर सोशल मीडिया पर शेयर करने को कहा गया। अल्मोड़ा में आप नेताओं की तरफ से एक फोटो प्रदर्शनी लगाई गई जिसमें सरकारी स्कूलों की स्थिति को दर्शाया जा रहा है। ABP गंगा खबर आपकी जुबान आपकी।